Hi guys, welcome to Cashify Presents Techno Chat. इस प्रोग्राम में हम आपको नए नए फोन्स की जानकारी देते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Hi guys, मैं हूं भृगु वधावन और आपका स्वागत है Cashify Presents Techno Chat में। अब आप में से कुछ लोग इंतजार तो कर ही रहे होंगे कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और हम एक नया फोन लेंगे। काफी सारे लोग नए फोन के अपडेट्स भी देख रहे हैं ताकि ये डिसाइड कर सकें कि उनके लिए कौन सा फोन बेटर है। बट एक जनरल यूजर सबसे पहले जो चीज सोचता है वो ये है कि उसे एक एंड्रॉयड फोन लेना चाहिए या iOS डिवाइस लेना चाहिए। तो अगर आप लो रेंज और मिड रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे एंड्रॉयड तो विनर होता ही है, बट अगर आप हाई रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे आप आईफोन तो जरूर कंसिडर करते ही होंगे। तो हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस ठीक रहेगा या फिर iOS बेस्ड डिवाइस ठीक रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो है हमारी लिस्ट में वो है अफोर्डेबिलिटी। तो एक यूजर जब कोई अपना नया फोन खरीदने जाता है तो सबसे पहले अपना बजट सेट करता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने तो देखा ही होगा कि जो एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है वो आपको मिड रेंज से लेके हाई एंड रेंज तक मिल जाते हैं, बट आईफोन आपको एकदम हाई प्राइस पे मिलते हैं। बट अगर आप कम बजट में आईफोन लेना चाहते हैं तो पुराने मॉडल्स ले सकते हैं, बट वो एंड्रॉयड के फ़ोन के अकॉर्डिंगली कम स्पेसिफिकेशंस देंगे। जी हाँ, और अगर दूसरी तरफ हम एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करते हैं तो 5000 से लेके 50000 की कीमत तक आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस मिल सकते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि 5000 की कीमत में आपको बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड डिवाइस तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप 15000 में अपना एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड डिवाइस आपको एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट एंड्रॉयड डिवाइस मिल सकता है। यही अगर आप अपने बजट को 40000 या 50000 तक बढ़ा दें तो आपको एक फ्लैगशिप डिवाइस भी मिल सकता है जो कि डायरेक्ट कम्पीट करते हैं iOS डिवाइसेस से। तो इस केस में हम एंड्रॉयड को एक पॉइंट देंगे। अब बात करते हैं वैरायटी की। तो आपने देखा होगा कि एप्पल साल में 2 से 3 मॉडल्स लॉन्च करता है, बट वो डिज़ाइन में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं अपने पुरानी जनरेशन के। जैसे कि आपने आईफोन 6 देखा होगा, 6S देखा होगा, आईफोन 7 देखा होगा, इनके डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से। दूसरी तरफ आईफोन 11 और आईफोन XR का भी डिज़ाइन था सिमिलर, बट आईफोन 11 में एक कैमरा अपग्रेड था बस। और आप देखेंगे कि एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। एप्पल जो है वो मॉडल्स और वैरायटी में इतना आगे नहीं है क्योंकि एक ही कंपनी कितने ज़्यादा मॉडल्स क्रिएट कर सकती है। दूसरी तरफ एंड्रॉयड डिवाइसेस की बात करें तो काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो एंड्रॉयड बेस्ड OS अपनाती हैं अपने फ़ोन्स में। तो इसमें कॉम्पिटिशन जो है वो इतना बढ़ जाता है कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम एक नया एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च होते हुए देखते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मॉडल्स के काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। तो इस मामले में एंड्रॉयड के पास एक प्लस पॉइंट है क्योंकि एंड्रॉयड बेस काफ़ी बड़ा है और हर साल बढ़ते ही जा रहा है बिकॉज ऑफ वैरायटी एंड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। अब बात करते हैं अपडेट्स की। तो आपने देखा ही होगा कि एप्पल की एक फिक्स टाइमलाइन है अपडेट प्रोवाइड करने के लिए। बीच में वो सिक्योरिटी अपडेट और बग फिक्सेस तो प्रोवाइड करता ही रहता है, बट एप्पल की एक और एडवांटेज है कि वो अपने iOS डिवाइसेज जो कि मार्केट में अब अवेलेबल भी नहीं है उनके लिए भी अपडेट्स देता रहता है, जिससे कि पुराने मॉडल्स में भी नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये भी बीच में सुनने में आया था कि एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू अपने पुराने मॉडल्स को स्लो कर देता है, बट ये एक अजम्पशन ही है फिलहाल। दूसरी तरफ एंड्रॉयड डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो फ्लैगशिप एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपको 2 साल तक का अपडेट मिल जाता है और लो रेंज और मिड रेंज फोन्स में कभी कभी तो 1 साल का ही अपडेट मिलता है, जिसकी वजह से पुराने डिवाइसेस तक अपडेट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस केस में iOS को एक प्लस पॉइंट मिलता है। अब जो एस्पेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो है कस्टमाइजेशन। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि iOS का जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है और उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग आईफोन लेते हैं हमें लगता है कि उन्हें सिंपल यूज़र इंटरफेस ही पसंद होगा, इसलिए वो शायद वो फ़ोन लेते हैं। बट अगर दूसरी तरफ देखें एंड्रॉयड डिवाइसेस की तरफ तो उसमें आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं सेटिंग्स में, या फिर थर्ड पार्टी ऐप भी आते हैं जिसमें आप अपने फोन की लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपना फोन रूट करके अपने फोन की पूरी लुक भी चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन अगर आपको पसंद है तो इस एस्पेक्ट में एंड्रॉयड को एक प्लस पॉइंट मिलता है।
अब बात करते हैं सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और सिक्योरिटी की वजह से ही काफ़ी लोग आईफोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि एप्पल जो कंपनी है वो अपने यूजर्स की डेटा और प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इसलिए उसकी सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है। दूसरी तरफ एंड्रॉयड का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है डेटा प्राइवेसी के मामले में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवाइसेस अनसेफ है, वो भी अपनी सिक्योरिटी पे काम करती हैं, बट एंड्रॉयड में आपको कभी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके चांसेस हैं। तो इस केस में, सिक्योरिटी के केस में, iOS के पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स और सारे सिनेरियोज को कंसिडर किया, और सामने जो बात आई वो ये है कि दोनों ही चीज़ों के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस तो है ही, बट यहाँ पे iOS विजेता है अगर आप एक हायर सेगमेंट वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो। बट अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है और आप चाहते हैं कि कम बजट में आपको और अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिले, तो आपके लिए एंड्रॉयड एक अच्छी चॉइस है। तो यहाँ हमने सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन को कंसिडर कर लिया है, एंड एंड में समराइज करते हुए ये पता चला है कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी को देखें तो यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइसेस हर प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं, सो एंड्रॉयड विंस हियर। वैरायटी की बात करें तो इतने सारे ब्रांड्स क्योंकि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है हमें, जबकि iOS सिर्फ एप्पल का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे भी एंड्रॉयड विजेता रहेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो एप्पल जो है वो अपने नए iOS डिवाइसेस और पुराने iOS डिवाइसेस के लिए भी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है, बट एंड्रॉयड सिर्फ लेटेस्ट मॉडल के लिए ही सीमित रहता है न्यू अपडेट्स के लिए। सो यहाँ पे हम एप्पल को चुनेंगे। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन की बात करें तो iOS एक काफ़ी सिंपल एंड क्लीन इंटरफेस देता है, एंड ज़्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते आप, तो वहीं एंड्रॉयड में आपको इनबिल्ट काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं, एंड काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आती है एंड्रॉयड की ये फीचर, तो यहाँ पे एंड्रॉयड फिर से जीत जाता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो iOS से ज़्यादा सिक्योर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड आपका डेटा एकदम सुरक्षित रहता है एप्पल के पास, तो एप्पल यहाँ पे जीत जाता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी ये डिसाइड करने में कि आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस लेना चाहिए या फिर एक iOS डिवाइस लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहेंगे टेक जगत के। और याद रखिएगा कि हमारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं भृगु वधावन आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।